हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है, जिससे विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, जिसको लेकर बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 स्थित सामुदायिक भवन में अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण सभा जिला फरीदाबाद ने तीसरे सामूहिक विवाह सम्मेलन का धूमधाम से आयोजन किया गया और इस आयोजन में 21 जोड़ों की पूर्ण विधि विधान से शादी कराई गई। विवाह सम्मेलन में आए सभी अतिथि गणों का जांगिड्डा ब्राह्मण सभा द्वारा स्वागत किया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथि गणों ने प्रणय सूत्र में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद दिया और जीवन में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लोक संदेश चैनल अखिल भारतीय जांगिड्ड ब्राह्मण सभा जिला फरीदाबाद द्वारा निरंतर किए जा रहे विवाह सम्मेलन की सराहना करता है और आप सभी गणमान्य लोगों से अनुरोध करता है कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में कर अपना योगदान दें, क्योंकि कहा गया है कि कन्यादानम महादानम, इसलिए आगे आए और इस तरह के कार्यों में अपना सहयोग दें। तो मित्रों, अभी शर्मा जी जिस तरीके से बोल रहे थे कि जो अखिल भारतीय जागरण समाज की बात हो चाहे विश्वकर्मा समाज की बात हो, ये कर्मठ और हाथ का दस्तकार कारीगर समाज है। इसने अपनी पहचान बनाने के लिए आज फरीदाबाद के अंदर जो 6 लाख की आबादी है इतना तरीके का काम किया, क्योंकि मैं उद्योग मंत्री राहुल से दूर ये दिन विश्वकर्मा समाज अगर छुट्टी मना लेता था तो फरीदाबाद का चक्का जाम होता था। शर्मा जी की बहुत सही बात है कि समाज का चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो एक जबरदस्त प्रभाव है, उस प्रभाव का उपयोग करना चाहिए और आप लोगों को इकट्ठे होकर एक मत की ओर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में दोबारा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि मित्रों आज चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसी वर्ग की बात हो चाहे पिछड़े समाज की बात हो, और उन्होंने जो राजनीति की और काम किया उस समाज को आगे ले जाने के लिए, अगर कोई एक कहते हैं ना सार्थक काम करने का काम किया तो मोदी और मनोहर की सरकार के अंदर हुआ है। तो मित्रों आने वाला 2024 का चुनाव जो ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा जिसने आप लोगों के कार्य आप लोगों की दस्तकारी की आप लोगों के हुनर की जिन्होंने वाकई में प्रशंसा की और उसे एक नए रूप में ले जाने का काम किया।